यहाँ पे वो घुमाएंगे गोल गोल तो डांसिंग बोर्ड बन जाएगी, अब देखते हैं क्या होता है। Hello. तो ये जो है ये जल गई है लेंटन और इसको हम पानी में छोड़ देंगे। ओके बाय बाय मियो। अच्छा तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम सबसे पहले एंशियंट टाउन को जो है ऑन फुट इमी और तानी के स्टाइल में एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे हुयान में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितना आप चल सकते हैं चलें, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बिजार नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। जगहें यहाँ पे एक से बढ़कर एक हैं, वही ओल्ड एंशियंट यहाँ पे आपको सिविलाइजेशन नज़र आएगी, वही लाइफ स्टाइल नज़र आएगा। वो जो पुराने ज़माने में आर्किटेक्चर बना था वो अभी तक इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। लोग जो यहाँ के लोकल्स हैं वो उन्हीं घरों में रह रहे हैं, उन्हीं को उन्होंने फिर से रेनोवेट किया है। जो यहाँ पे कैफ़े कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है, छोटी छोटी तंग गलियों में उन्होंने कैफ़ेज़ भी बनाए हुए हैं, लोकल्स के घर भी हैं साथ साथ, यहाँ पे वियतनामीज़ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी बनते हैं। अच्छा तो सबसे मेन वजह एंशियंट टाउन में होटल बुक करने की ये है कि एंशियंट टाउन एक तो मतलब ज़ाहिर है पुराना बहुत है, जो प्योर यहाँ का एसेंस है हुयान का वो यहीं पे आपको दिखेगा। दूसरी वजह जो है वो ये कि यहाँ से जो मेन सारी जगहें हैं, जो इनका रिवर है जहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल होता है, जहाँ पे बोट्स के ऊपर आप जाते हैं और लैंटर्न जो है पानी में डालते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, यहाँ से बहुत करीब है। उसके अलावा यहाँ के जो मशहूर असेंबली हॉल्स हैं, यहाँ का जो जैपनीज ब्रिज है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एंशियंट टाउन से बहुत नज़दीक हैं, 5-10 मिनट की वॉक है मुश्किल से। अभी हम सबसे पहले रुख कर रहे हैं यहाँ का सबसे फेमस कोकोनट विलेज है। वो इसलिए फेमस है कि वहाँ पे जो है वो बास्केट बोट्स होती हैं, जो गोल सी होती हैं, बिल्कुल टोकरी नुमा बोट्स होती हैं, उनमें बैठ के जो है वो आपको पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं, अलॉन्ग द रिवर लेके जाते हैं आगे तक। और वो जो है इमी और तानी की बकेट लिस्ट पे काफ़ी अरसे से था, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि कब हमें मौका मिलेगा वियतनाम जाने का और हुयान बिलखसूस आने का और यहाँ पे वो सारी चीज़ें ट्राई करने का, तो वो आज होगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग रुख कर रहे हैं कोकोनट विलेज का, चलते हैं कोकोनट विलेज और चेक करते हैं कि बकेट बोट्स का क्या सीन है। हेलो हाउ मच इज द हैट? I want like your one. तो यहाँ पे यहाँ की ट्रेडिशनल वियतनामीज़ टोपियाँ एक लेडी स्टॉल पे बेच रही है, मतलब बाइक की, और इस वक्त शदीद गर्मी है, सो आई नीड वन। सो व्हाट्स द प्राइस? What about your one? Like your one? How much? 10. Any discount? Fine. Your one? 50. 50? Huh? Small. Small for 50? No, what? How much for this one? 150. It's too much. What about like this one? ये वाली actually मुझे बहुत प्यारी लग रही है, इस पर kind of कोई painting या artwork किया हुआ है traditional. अच्छा ये वाली टोपी 130 की मिल रही है। ओह इट हैज अ रिबन इन हियर। 130 की है, हम थोड़ी सी बार्गेनिंग कर रहे हैं बिकॉज मैंने ये तकरीबन 60-70 की देखी थी साइगॉन में। गाड़ी आ गई और अब हम जा रहे हैं कोकोनट विलेज। तो मुश्किल से 10 मिनट की टैक्सी राइड लेने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कोकोनट विलेज, मेन हुयान एंशियंट टाउन से। कोकोनट विलेज जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पे पहुंचते के साथ ही मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ बूथ्स बने हुए हैं, जो कंपनीज हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं,
जो आपको लेके जाती हैं, तो वो जाहिर है वो आ जाते हैं आपके पास और वो हैगल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश यही करती हैं कि आप उनके साथ उनका टूर लें। और उसमें होता यह है कि उसमें ज़्यादातर जो हैं वो स्कैम भी होते हैं और ज़्यादातर कंपनीज जो हैं वो आपसे ज़्यादा पैसे लेती हैं, ओवर चार्ज करती हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम किसी ऐसी कंपनी के साथ टूर ना लें। हमने जो है वो पहले से रिसर्च की हुई है और एक कंपनी है लॉन्ग फो के नाम से, इको टूर्स, उनका रेस्टोरेंट भी है और वो ये टूर्स प्रोवाइड भी करते हैं। तो उनके पास जा रहे हैं, तकरीबन जो मेन एंट्रेंस है कोकोनट विलेज की, वहाँ से मुश्किल से 3 या 4 मिनट की वॉक है, तो वो कर रहे हैं। और टोपी मुझे चाहिए क्योंकि धूप बहुत टिका के पड़ रही है, तो मुझे टोपी वियतनामीज हैट की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ जो कोकोनट विलेज है, जैसे ही आप एंटर होते हैं मेन एंट्रेंस से, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल पैंट्स मिल रही हैं, टोपियाँ मिल रही हैं, यहाँ के सुविनियर्स हैं, हैट्स मिल रही हैं, और उसके अलावा यहाँ के जो वियतनामीज ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं वो भी मिल रहे हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो है वो टोपी ढूँढ रहा हूँ। इंतिसाल और इनाया ने जो है वो ले ली है, मुझे प्लेन वाली चाहिए, इनकी जो है वो प्रिंटेड है। Plane? Do you have the plain one? No, the plain one. Okay, finish. Okay. Oh my God! ये क्या हो रहा है भाई? तो अभी हम लोग यहाँ से मार्केट से गुजरते हुए जा रहे थे लॉन्ग फोर्ट टूर ऑपरेटर के ऑफिस तक, और यहाँ पे हमें म्यूजिक की आवाज़ आई। यहाँ पे मैं पहली झलक देख रहा हूँ, ये हमने खाली इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस में देखा था, आज हमें मौका मिला रियल लाइफ में देखने का। यहाँ पे तो मतलब पूरा इतवार बाजार लगा हुआ है लोगों का, वो डांस भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शानदार किस्म का लकड़ी का जो है वो पुल बनाया हुआ है, और पुल को उन्होंने सजाया हुआ है यहाँ पे, मेरे ख्याल से क्या चीज़ है, प्लास्टिक की कोई चीज़ है, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, मिनरल बॉटल जिसमें आता है, उन बॉटल्स को उन्होंने पेंट किया हुआ है येलो, वाइट, ग्रीन और रेड। और नीचे जो है वो यहाँ की मशहूर बकेट बोट्स हैं। अलग ही माहौल है, अलग ही एनर्जी है इस जगह की। कोकोनट विलेज का दूसरा नाम है कामथान कोकोनट विलेज, और इस विलेज के साउथ और ईस्ट पे दोनों तरफ रिवर लगता है, एंड इसको लिटिल मीकोंग डेल्टा भी बोलते हैं। मीकोंग डेल्टा इज द रिवर वी वेंट ऑन जब हम साइगोन से टूर पे गए थे, डेल्टा टूर पे। इसी रिवर के अलोंग ये लोग फिशिंग करते हैं, इवन क्रैब कैचिंग करते हैं, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग जो माहौल है हमारे पीछे, उससे हम दोनों भी बहुत एक्साइटेड हो गए, इवन दो वी आर नॉट ऑन अ बोट येट। I got this for 30. Yeah. Yeah. Yes. 30. I need one. It's really hot. Okay, let's do 25. अच्छा, यहाँ पे हमें एक दुकान नज़र आई है, ये 50 से शुरू हुई थी और 25 कह रही है, तो 25 में हम ये खरीद रहे हैं। 25? अच्छा 30 कह रही है, 25 नहीं कह रही। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, और हम अभी पानी में जाएंगे बोट में, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ओके, थैंक यू। ये टाइट करना पड़ेगा। Thank you so much. Come on. Come on. Come on. Come on. तो हमने एक 45 मिनट का बास्केट बोट टूर लिया है फ्रॉम द फू लॉन्ग कंपनी, और ये 150,000 डोंग का था फॉर ऑल ऑफ अस। यूजुअली थोड़ा इससे महंगा होता है, लेकिन हमने अपनी बार्गेनिंग स्किल्स यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे लोग ऑनलाइन 500,000 डोंग दे के भी आए हैं, so yeah, you could easily bargain. तो हम लोग जो है वो सवार हो गए, बैठ गए बकेट बोट में, और भाई जो है हमारे साथ जो हमें लेके जाएंगे वो जो है फुल डांस के मूड में लग रहे हैं। ये देख, तो ये जो बास्केट बोट्स हैं, प्यारी तो ये बहुत है, लेकिन इनकी एक बहुत डीप हिस्ट्री है। तो बैक इन द डेज जब फ्रेंच यहाँ पे रूल करते थे, तो उन्होंने यहाँ की वियतनामीज लोगों की जो बोट्स हैं उन पर टैक्स लगा दिया था, और वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स था, काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे यहाँ के फिशरमैन को अपनी बोट चलाने के लिए। तो उन्होंने काइंड ऑफ एक जुगाड़ निकाला था,
और वो ये था कि हम भाई बैम्बू की बास्केट्स बना लेते हैं, जैसे टोकरी होती है ना वो बना लेते हैं। अब वो टोकरी पानी में डूब जाती थी तो उस पर उन्होंने मिट्टी की लेप लगाई, टार लगाया और काइंड ऑफ एक हार्ड शेल बनाया। और पहली जो बोट थी उन्होंने टेस्ट की है ना, वो फ्लोरिंग। तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को अपना लिया और ये बास्केट बोट्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। दे यूज़ इट फॉर फिशिंग, क्रैब कैचिंग करते हैं वो इसी बोट पे। इनफैक्ट इवन जो सी में इनकी इमरजेंसीज होती है बड़ी बोट्स की, वो ये छोटी बास्केट नुमा बोट लेके सी जाते हैं और उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं। इमी और तानी आपको पता है खतरों के खिलाड़ी हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे बकेट बोर्ड की राइड लेने, लेकिन इम्तिजाज की पुरजोर इसरार के ऊपर मैं जो है बकेट राइड में जा रहा हूँ और यहाँ पे वो घुमाएंगे बोर्ड को तो डांसिंग बोर्ड बन जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। अभी गया था स्पिनिंग डांसिंग बोर्ड पे और बहुत इसको मजा आया। इसका सर बिल्कुल घूम रहा है। भाई कोई मुझसे तो पूछ ले कितना मजा आया। मैं बताता हूँ मजा तो खैर बहुत आया, लेकिन ऐसे चक्कर आ रहे हैं लग रहा है यही पानी में गिर जाऊंगा, लेकिन बहुत मजा आया। बाकी मैं यहाँ पे आके हुयान आके अगर ये बकेट बोट एक्सपीरियंस हम नहीं करते तो वो बहुत मेन चीज जो है वो मिस करते हैं। चक्कर बहुत आते हैं आपको क्योंकि वो इतना फुल स्पीड में घुमाते हैं कि आपको लगता है कि बस अब बहुत अच्छा था, बहुत अलग यूनिक एक्सपीरियंस था। बाकी मैं ये सिर्फ वियतनाम में ही हो सकती है। अच्छा तो यहाँ पे साथ साथ ये डांसिंग बोर्ड्स जो हैं, जो बकेट बोर्ड्स हैं, इसके ऊपर कैरियोकी का भी फुल बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने लाउड स्पीकर्स और बड़े वाले जो स्पीकर्स होते हैं पावरफुल हैवी ड्यूटी वो सेटअप किए हुए हैं, कैरियोकी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सा एक माहौल बना हुआ है, बड़ा लाइवली सा एटमोसफियर क्रिएट हुआ हुआ है और लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं खूब इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा तो उसके साथ साथ जैसे इम्तिसाल ने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है इस बाओ माओ कोकोनट विलेज के बारे में, इस पूरी जगह को बेसिकली जहाँ पर ये बकेट बोट्स चलती हैं इसको बाओ माओ कोकोनट विलेज के नाम से जाना जाता है। और जैसा इम्तिसाल ने बताया था कि 15th century में जो है पहली बोट इन्होंने बकेट बोट जो है वो कंस्ट्रक्ट की थी और उसको बनाने का मेन मकसद जो था वो यही था कि क्योंकि उस दौर में जो है फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड था, यहाँ पे फ्रेंच राज था, तो यहाँ पे ये होता था कि यहाँ के जो लोकल्स थे उनके ऊपर जो जिनके पास कश्तियाँ थी बोट्स थी उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। तो लोकल्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार चलो हम ये करते हैं कि टैक्स से बचने के लिए जो है यहाँ पे ये इस तरह की कोई बोट बनाते हैं। और पहली बोट जो है वो 15th century में बनी थी। तो जब उन्होंने पहली बोट बना ली तो उन्होंने उसके बाद ये सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ निकल आई है और बहुत अच्छी चीज़ बन गई है, हम आराम से इसमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल लेके जा सकते हैं, मछलियाँ पकड़ सकते हैं, क्रैब पकड़ सकते हैं। जो भी उनका रोज़गार था, जो ज़्यादातर मछेरे थे यहाँ के लोकल्स, वो आराम से अपना जो डेली रोज़मर्रा के उनके मामलात होते थे वो आराम से हो रहे थे। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना हम इस काम को जो है वो बढ़ाएं और फिर एक के बजाय हम बहुत सारी बोट्स बनाएं ताकि और भी जो हमारे साथ यहाँ की पूरी जो कम्युनिटी है उनको भी एक तरह से हम हेल्प आउट करेंगे और यहाँ का जो लोकल बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा। तो वहाँ से ये फिर सिलसिला जो है शुरू हुआ था बकेट बोट राइड्स का और एक के बाद फिर करते करते जो है वो 15th century से अब यहाँ पर आज मेरे ख्याल से कम 200 से 300 बोट्स हैं और लोग दूर दूर से आए हुए हैं और वो मजे ले रहे हैं इन बोट राइड्स के। तो वाकई में वन ऑफ काइंड एक्सपीरियंस है ये। नो फैन डू दिस। अब हम वापस आ गए हैं ओल्ड टाउन और अब हम जाएंगे हाउस ऑफ टैन के। यहाँ रश स्टार्ट हो गया है, अभी तकरीबन 5 बजे हैं। हेलो,
ऑन द वे टू द हाउस ऑफ टैंके. यहाँ पे पूरी पुरानी गलियाँ हैं और ये पूरा जो एंशिएंट टाउन है काफ़ी बड़े रकबे पे ये स्प्रेड आउट है. आई जस्ट लव कि सारी जो बिल्डिंग्स है वो येलो कलर की है और इनमें फ्रेंच और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस डेफिनेटली नज़र आता है यहाँ पे. एंशिएंट टाउन में सबसे पहला जो घर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जो बहुत ही पुराना घर है, ज़ाहिर है एंशिएंट टाउन है तो यहाँ पे एक नहीं इस तरह के बहुत सारे दीगर घर बने हुए हैं. और यहाँ पे जिस हाउस में भी हम लोग मौजूद हैं इसको हाउस ऑफ टेन के भी कहा जाता है. और यहाँ के बारे में बहुत मशहूर है कि यहाँ पे बड़े बदतरीन किस्म के फ्लड्स आए थे 1956 में और इतनी इसकी मजबूत फाउंडेशन है कि इस घर को कुछ नहीं हुआ था. एंशिएंट टाउन जो है वो पूरा ज़ेर-ए-आब हो गया था लेकिन ये घर जो है ये अपनी फाउंडेशन के ऊपर जो खड़ा रहा है. अच्छा, ये घर ऐसे बनाया था कि ये जो फ्रंट का इसका पोर्शन है ये फेस करता है टुवर्ड्स विन थाई होक. तो ये विन थाई होक जो है यहाँ की सबसे फेमस और सबसे बिजी स्ट्रीट है और उस दौर में 15-16 सेंचुरी में इस स्ट्रीट के ऊपर जो है वो सारे बिजनेसेस और कारोबार वारोबार जितने भी लोग करते थे वो सारे यहीं पे लगते थे. आज भी उन्होंने उसी की अक्कासी उसी की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की हुई है. यहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स बने हुए हैं, बुटीक कैफेज बने, होटल्स बने हुए हैं. उस दौर में जाहिर है जो शख्स जो काम करता था जो भी चीज़ फरोख्त करता था वो इसी स्ट्रीट के ऊपर की जाती थी. ये फ्रंट पोर्शन है. उसके अलावा जो इसका बैक पोर्शन है तो वो लगता है थोबॉर्न रिवर की तरफ. तो उस दौर में 15-16 सेंचुरी में वो इसलिए इन्होंने इस तरह से बनाया था, डिज़ाइन इस तरह से किया था कि आगे का हिस्सा जो है वो बिजनेस स्ट्रीट की तरफ खुले दरवाज़ा जो है और पीछे का हिस्सा जो है वो थोबॉर्न रिवर की तरफ खुले ताकि जितनी भी इम्पोर्ट्स होती थी रॉयल फैमिलीज़ के लिए वो यहाँ से आराम से जो है वो ख़रीदी जा सकें या लाई जा सकें. और यहाँ पीछे ही कश्ती में जो है वो सारी इम्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो होती थी वो लाते थे और कश्ती से यहाँ घर में एंटर होती थी, उसके बाद फिर यहाँ से सप्लाई की जाती थी पूरी मार्केट में. अच्छा, तो ये जो एंशिएंट टाउन है हुयान में, यहाँ पे बहुत सारे पुराने हेरिटेज घर बने हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से उनको मेंटेन किया हुआ है. और उसके अलावा कुछ को तो वो हेरिटेज साइट उन्होंने बना दिया है तो वहाँ पे आप टिकट लेके जो है एंटर हो सकते हैं जैसे अभी हम लोग जिस घर में गए थे. लेकिन उसके अलावा काफ़ी ऐसे हैं जो ज़ाहिर है डेट बैक करते हैं 15-16 सेंचुरी को लेकिन उनको जो है उन्होंने एक तरह से ट्रांसफॉर्म करके यहाँ के जो लोकल्स थे जिनकी वो प्रॉपर्टीज़ थी जो ओन करते थे उन घरों को उन्होंने उनमें दुकानें खोल ली हैं. यहाँ के जो टेलर मेड जो वियतनामीज ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो बेच रहा है, किसी ने कॉफ़ी की जगह बना दी है. उसके साथ साथ जिसकी वजह से हुयान और वियतनाम इतना मशहूर है जो यहाँ पे लेंटन फेस्टिवल होता है जो आप कश्ती में जाते हो वो सारी चीज़ें उसकी भी दुकानें हमें यहाँ पे इन्हीं ओल्ड हाउसेस में हेरिटेज साइट्स में जो है वो नज़र आई हैं. दुकानों के अंदर जिनकी दुकानें हैं जो बेच रहे हैं लेंटन वो लेंटन वहीं पे बना भी रहे हैं. तो लोग जो सीखना चाहते हैं जो दिलचस्पी रखते हैं इस तरह की चीज़ों में वो लोग जो हैं वो उन दुकानों में जाके सीख रहे हैं कि किस तरह से वो बना रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पे हलाल फूड का भी ऑप्शन है तो हमारे सामने जो है मुझे हलाल फूड की एक जगह नज़र आई है. वियतनाम के लोगों ने हमें शॉक कर दिया, इतने फ्रेंडली है, इतने नाइस है और ये इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस है. व्हाट डू यू कॉल दिस ड्रेस? योर ड्रेस इज नोम आओयाई ड्रेस. वेरी नाइस, लाइक पैंट्स एंड शर्ट, राइट? या या. And this, you put buttons here. Yeah, button. So stunning. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Nice meeting you. Nice meeting you. तो वियतनाम में हम जब से आए हैं हमें काइंड ऑफ ए कल्चर शॉक मिला बिकॉज यहाँ पे छोटी छोटी कुर्सियों पे लोगों को बैठ के ड्रिंक्स पीने का शौक है या खाना खाने का शौक है और वो जैसे हम पाकिस्तान या इंडिया में छोटी बच्चों की कुर्सियाँ होती हैं वो उस साइज़ की कुर्सियाँ होती हैं, वैसे बड़ी कंफर्टेबल है. और यहाँ पे हमें एक स्टॉल नज़र आया, इधर अलग किस्म की ड्रिंक्स मिल रही हैं, गर्म ड्रिंक्स या ठंडी ड्रिंक्स. आई एम गोना ट्राई समथिंग ट्रेडिशनल, पहली दफ़ा मैं ट्राई करूँगी. Yeah.
यहाँ पर हमने अपनी वियतनामीज ड्रिंक ले ली है. मुझे पता भी नहीं है मैं क्या ट्राई कर रही हूँ. मुझे बस ये पता है कि किसी किस्म की डिज़र्ट है. इसमें तुख मलंग है. 20,000 डॉम की थी. That's amazing. ये जो कॉम्पॉट होता है उसका जूस, उसके साथ तुख मलंगा और इसमें बीन्स हैं. सारे ही चीज़ें मिक्स हैं. सारे लोग ही ले रहे हैं यहाँ पे. सो आप ये बेसिकली खा भी रहे हो तो और ये पी भी रहे हो तो क्या. नो नो आई जस्ट हैव दिस. अच्छा तो हम लोग अभी एंशिएंट टाउन में ही थे और एक्सप्लोर कर रहे थे और हमें लग रहा था एक दो गलियां होंगी, चक्कर लगाएंगे कि और बस ये टूर खत्म हो जाएगा. लेकिन ये बहुत बड़ा है, काफी एक्सटेंसिव रकबे के ऊपर जो ये फैला हुआ है. अच्छा बीच में जो है ब्रिज भी बना हुआ है, तो ब्रिज क्रॉस करके आप जाते हो दूसरी तरफ और यहाँ पे इस एंड पे जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स बनी हुई है. वहाँ पे सी फूड मिल रहा है, फ्रेश सी फूड है. उसके अलावा मुख्तलिफ खाने वाने मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं. यहाँ पे जो लेंटल्स बनते हैं वो मिल रहे हैं. और ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हो तो वहाँ एक अलग सी बड़ी सी मार्केट लगी हुई है. और जाहिर अभी सूरज गुरूब होने वाला है तो उसकी वजह से रिवर के ऊपर काफी एक्टिविटी है. लोग जो है वो बोट्स रेंट आउट करके, हायर करके जो है जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए. और लैंटर्न्स जो है वो बोट्स के ऊपर जो है वो लिट अप हुए हैं. तो बहुत एक बड़ी मजेदार सी एनर्जी क्रिएट हुई हुई है. हम लोग अभी आए हैं यहाँ की सबसे मशहूर कॉन्ग काफी काफ़ी कहते हैं जो भी कहते हैं. लेकिन वियतनाम जो भी आता है तो वो कोशिश यही करता है यहाँ पे यहाँ की फेमस कोकोनट कॉफ़ी विद मिल्क जो है वो ज़रूर ट्राई करें. तो हम अंदर जाएंगे और वही ट्राई करेंगे. और ये हाईली रेटेड है. अगर एंशिएंट टाउन में आए हुए हैं और यहाँ की कॉफ़ी नहीं पी रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है. यहाँ की कॉफ़ी पीना लाजमी है. अच्छा तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार किस्म की कोकोनट कॉफ़ी जो है वो आ गई है. जैसी मतलब यहाँ पे अब सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, यहाँ पे रश जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है. क्योंकि अमूमन लोग जो है यहाँ पे रिवर पे बोटिंग करने रात में आते हैं. रात में जो है वो लोटस फ्लावर्स जो है वो पानी में डालते हैं और फिर लैंटर्न फेस्टिवल जो है वो शुरू होता है. तो यहाँ पे जो हमने कोकोनट कॉफ़ी ली है ये बेसिकली शेव्ड कोकोनट आइस है और उसके साथ कॉफ़ी के शॉट्स हैं दो और हल्की सी मुझे मिठास जो है वो चीनी की लग रही है और कोकोनट मिल्क है. हमने अब तक की मेरे ख्याल से जब से हम लोग वियतनाम पहुँचे हैं, खासतौर पर साउथ से हम लोग जब हो ची मिन्ह से निकले थे, दलाल से फिर हम लोग आगे आए थे नॉर्थ ट्रैंग और ये बाकी जगहें, तो यहाँ पर हमने हर जगह जो है कोशिश की है कि हम कोकोनट कॉफ़ी पिए. ये सिर्फ वियतनाम और इसी रीजन में मिलती है. और यहाँ पे मैं अभी बलैक्स को इंतजार करवाए जल्दी से ट्राई करता हूँ, बताता हूँ कैसी लग. बहुत अच्छी रही है, रश बहुत ज़्यादा है, बहुत मज़ा आई. बेस्ट कोकोनट कॉफ़ी अब तक हमने वियतनाम में जितनी भी कॉफ़ीज पी हैं कोकोनट कॉफ़ीज, ये वाली सबसे मज़े की है. बहुत फ्रेश टेस्ट है. कोकोनट मिल्क जो है वो बहुत ही खालिस और प्योर लग रहा है और कॉफ़ी जो बीन इन्होंने यूज़ किया है एस्प्रेसो शॉट के लिए वो बहुत अच्छा है. मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादातर रोबस्टा चलता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोकोनट मिल्क के साथ मिलके जो है ना वो एक बड़ा स्मूथ सा इम्तिजाज क्रिएट कर रहा है. अच्छा तो मज़ेदार सी कोकोनट कॉफ़ी इन्जॉय करने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं वियतनाम का. मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइट है या सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. ये ब्रिज जो है ये जाना जाता है जैपनीज कवर्ड ब्रिज के नाम से. यहाँ की ज़बान में इसको कहा जाता है चाओ काओ ब्रिज. और इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताना ज़रूरी समझता हूँ. ब्रिज जो है बेसिकली यहाँ के जो बिजनेसमैन मर्चेंट्स होते थे 15th सेंचुरी में, उन्होंने ये तामीर किया था. इसकी डेट और कब ये किस दौर में तामीर हुआ ये किसी को नहीं पता. बिजनेस मर्चेंट्स जो थे वो बेसिकली उसमें जैपनीज भी थे, उसमें चाइनीज भी थे, उसमें वियतनामीज भी थे. और उस दौर में वियतनाम ने अपने बॉर्डर जो है वो बेसिकली खोले हुए थे जैपनीज लोगों के लिए, चाइनीज़ लोगों के लिए. उसके अलावा यहाँ पे वियतनामीज लोग भी थे और वो सारे यहाँ पे आके जो है वो रहा करते थे, यहाँ पे बसते थे और यहीं पे वो अपने रोज़मर्रा के काम धंधे और ये सारी चीज़ें जो है वो करते थे. उसमें उनका बिज़नेस भी होता था, उसमें उनकी रोज़मर्रा की खरीदो फरोख्त का अमल होता था. कश्तियों के ऊपर जो वो चीज़ें बेचते थे, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते थे वो यहीं पे हुयान में आके सेटल थे. और इसीलिए ब्रिज को बनाया गया था ताकि उनके लिए आसानी पैदा की जा सके कि वो एक जगह से एक कोने से दूसरे कोने तक जा सके. तो पुराने जो एंशिएंट लोग थे उनका मानना ये था, उन्होंने अपनी जनरेशन को ये बताया था कि ये ब्रिज जो है ये इसलिए भी बनाया गया था कि ये एक मैजिकल सोर्ड यानी एक जादुई तलवार का काम जो है वो भी करता है, उसकी भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है. और वो इसलिए कि उनका
का मानना ये था कि एक बहुत ही बड़ा बहुत जाइगेंटिक साइज मॉन्स्टर था जिसका नाम था नमाजू। तो बेसिकली ये उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए ये ब्रिज बनाया था। अच्छा, तो वो लोग ये कहते थे कि वो जो नमाजू था जो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था, तो बेसिकली उसका जो सर था वो इंडिया में था, यहाँ पे जो उसका जिस्म है पूरी जो उसकी बॉडी थी वो वियतनाम में है, और उसके अलावा जो उसकी दुम है जो उसकी टेल है वो जापान में है। तो इसीलिए चाइनीज़ और जैपनीज़ और वियतनामीज अथॉरिटीज़ और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे एक टेंपल भी बनाया है, और वो एक्टिव टेंपल है। लोग यहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट आते हैं वो यहाँ पे आके जो है वो इबादत भी करते हैं। अच्छा, तो हम लोग जैपनीज कवर्ड ब्रिज से जो है वो यहाँ की जो सबसे फेमस चीज़ है जिसके लिए मेरे ख्याल से जो भी हुयान आता है वो ज़रूर ये चीज़ करता है, और वो है यहाँ पे ये जो लैंटन फेस्टिवल होता है बोट राइड लेते हैं यहाँ का जो फेमस रिवर है उसमें, और कागज़ के बने हुए पेपर के बने हुए लोटसेस जो हैं वो पानी में लाइट करके जो है वो आप छोड़ देते हो। तो ये सब कुछ हम करेंगे। अभी हम लोग लाइन अप हुए हैं यहाँ पे, रश बहुत है। रश का आलम ये है कि यहाँ पे बिल्कुल चलने फिरने की जगह नहीं है, लोग ही लोग हैं। यहाँ पे बोट राइड की टिकट मिल रही है अलॉन्ग द रिवर बिहाइंड मी, और अब जब वो यहाँ आए तो सबसे लाइक आई थिंक टॉप की चीज़ ये होती है कि आप बोट लें और एक लोटस फ्लावर रिलीज करें ऑन द लेक। सो वी गोना डू दैट। सबसे पहले हम बोट लेंगे, हमारी 150 की होगी टिकट फॉर अस। तो ये है वो प्यारे से लोटसेस जो हम खरीद रहे हैं, 20 में हम 3 खरीद रहे हैं, और इसके अंदर बेसिकली ये पेपर होता है और इसके अंदर ये कैंडल नुमा चीज़ होती है, इसको अभी हम लाइट अप करेंगे। 20,000 में हमें 3 मिले। थैंक यू, थैंक यू। हम फाइनली बोट पे चल रहे हैं, तकरीबन 20 मिनट हमने वेट किया पानी के लिए। ओके तो हम बोट पे बैठ चुके हैं और हम सब साथ साथ लाइन में जा रहे हैं। अम्मा बड़े मज़े किए हैं जो बोट चला रही हैं, तो हमें बस अभी थोड़ा आगे जाके लाइट करने हैं अपने फ्लोटिंग लैंटर्न्स को। जो लोटस है इनका, इट एक्चुअली इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड रीयूनिफिकेशन। तो जब इसको ये लाइट करके कैंडल से यू नो रिवर पे डालते हैं तो होयाए रिवर, वो काइंड ऑफ इसलिए होता है ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। बस एक ये सिंबल है, इनका एक ट्रेडिशन है जो ये लोग करते हैं, और काइंड ऑफ होयान आने का भी एक ट्रेडिशन ये बन गया है। अच्छा, यहाँ पे बोट के ऊपर हम लोग सवार हो चुके हैं, और मतलब जाहिर हम लोग एंटिसिपेट हमने, ओ मेरे पीछे ब्रिज आ गया बड़ा शानदार किस्म का। ओ ओ सही है, बहुत जगह है। मैं फजूल में ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत जगह है, आराम से निकल जाएगी। अच्छा, ये जिस रिवर के ऊपर बोटिंग हो रही है इसका नाम होयाए है, और बहुत फेमस रिवर है यहाँ का, और ये पुराने ज़माने में 15th-16th century में यही रास्ता इख्तियार करते थे यहाँ के जो मकामी लोग होते थे, यहाँ पे जो मर्चेंट्स और बिजनेसमैन होते थे या जो लोकल्स होते थे वो इसी रास्ते के थ्रू जो है वो जाते थे और ट्रेडिंग करते थे। और आज हम लोग इमी और तानी जो हैं वो इसी रास्ते के ऊपर, हम लोग मर्चेंट्स और बिजनेसमैन तो नहीं हैं लेकिन हम लोग जो है वो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ों को जो है वो अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो लोटस रिलीजिंग ट्रेडिशन है ये ओवर 200-400 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है, और बहुत सालों से ही होता आ रहा है, उसको सिर्फ हम आके काइंड ऑफ अपनी लाइट में कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं आज। अच्छा, तो टाइम आ गया है लैंटन को लाइट करने का। There we go. तो ये जो है ये जल गई है लैंटन, और इसको हम पानी में छोड़ देंगे।
आज एक बहुत मज़े का दिन था. वी स्पेंड द होल डे एक्सप्लोरिंग और हम वो कोकोनट विलेज भी गए, यहाँ का एंशिएंट सिटी भी हमने एक्सप्लोर किया. हम तीनों को बहुत मज़ा आया और जो लैंटर्न्स और वो जो लोटसेस हमने अभी रिवर पर डाले हैं, आई थिंक वो चेरी ऑन टॉप था. वो सबसे बेस्ट पार्ट था हमारे दिन का. बहुत अच्छा लगा इस रिवर पे बोट पे जाके. तो इसी नोट पे हम एंड करेंगे आज की वीडियो. थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग. मेक श्योर करें कि आप सब सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.